हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 to 8 ईयर गर्ल के लिए हाई नेक वेस्टर्न टॉप बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हाफ मीटर का फैब्रिक है, इसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। इसे मैं आपको वेस्टेज फैब्रिक में से बनाना बताऊंगी। इसे एक बार मैंने और फोल्ड किया तो ये हमारी 4 फोल्ड हो गई। इस तरह से ये हमारी 4 फोल्ड है। यहां से मैं लेंथ मेजर करूंगी। लेंथ में 18 इंच रख रही हूँ, 18 इंच। और यहां से मैं 6 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहां से आर्म होल के लिए मैं 4 इंच रखूंगी और यहां से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। यहां से हमारा चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है। मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पे पूरे में हमें 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहां से भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक की लंबाई में 2 इंच रखूंगी और यहां से हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये जो हमारा आर्म होल है इसे इस तरह से हमें 2 फोल्ड करना है। रॉन्ग साइड पे टर्न करते हुए इस तरह से हमें इसे 2 फोल्ड कर देना है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से करना है, 2 फोल्ड करते हुए, रॉन्ग साइड से 2 फोल्ड करते हुए हमें इसे स्टिचिंग कर देनी है। यहां से यहां तक, यहां से भी दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से करना है। फ्रंट और बैक में आर्म होल को हमें 2 फोल्ड करके इसे हेम कर देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे हेम कर दिया है दोनों पार्ट में। अभी हमें इसका कॉलर कट करना है। इसके लिए मेरा वेस्ट बचा हुआ फैब्रिक है। इस तरह से मैंने 5-5 इंच की चौड़ाई में 2 पट्टियां कट की है और इसकी लेंथ हमें जितना हमारा ये कॉलर आएगा आगे के पार्ट में, नेक पार्ट में, उतनी हमें रखनी है। साइड से हम थोड़ी थोड़ी 1/2 इंच जितनी हम ज्यादा रखेंगे। अभी हमें इस तरह से इसे अटैच करना है, इस तरह से डबल करते हुए। पहले हम इसे यहां से इस तरह से मोड़ देंगे। यहां से मोड़कर हमें पहले सिलाई लगा देनी है, फिर इसे हम इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे सीधी साइड पे। इस तरह से डबल डबल ही हमें लेना है और यहां से हम सिलाई लगा देंगे और यहां पे भी हमें इस तरह से मोड़ देना है, मोड़कर सिलाई लगा देनी है और इस तरह से हम इसमें अटैच कर देंगे। और इसमें हमें 1 इंच का डिफरेंस रखना है। फ्रेंड्स, इसमें हमारी डोरी पास करने के लिए हमें 1 इंच का गैप रखना है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से करना है। पीछे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरह से कर देना है, यहां से स्टिचिंग कर देनी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें दोनों पार्ट में पट्टियां अटैच कर दी है। अभी हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और जो ये हमने 1 इंच का डिफरेंस छोड़ा था यहाँ पे हम
सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें हम केसी क्रिएट करेंगे, यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगा देनी है पूरे में, और यहाँ पे बीच में हमें गैप रखना है जिसमें से हमारी डोरी पास हो सके। यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट में, हमें इसी तरह से करना है। यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है, बीच में गैप रखना है, और फिर हमें उसके बाद हमें इसे इस तरह से फिटिंग कर देना है दोनों पार्ट को अच्छी तरह से मिलाते हुए। इस तरह से हमें इसे फिटिंग कर देना है दोनों साइड से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें ये मैंने डोरी तैयार की है। इस तरह से आपको जितनी लंबी रखनी चाहे उतनी रख सकते हैं। अभी इसे हम इस तरह से इस केसी में पास करेंगे, जो हमने केसी बनाई है उसमें से हम इस डोरी को पास करेंगे इस तरह से, सेफ्टी पिन की मदद से। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें डोरी अटैच की है, और ये नीचे फुंटी भी लगा दी है, और नीचे से भी मैंने इसे टू फोल्ड कर दिया है इसकी बॉर्डर को। इस तरह से ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। ये हमारा कॉलर इस तरह से आएगा फ्रंट और बैक में। इस तरह से ये हमारी डोरी आएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइनर हाई नेक कॉलर टॉप है, ये बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।